नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमैत। बड़ी बहस में बात निकाय चुनाव की करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। टिकट बंटने के बाद अब धुआंधार प्रचार अभियान का दौर भी चल रहा है। इन सब के बीच दल बदल का खेल भी लगातार जारी है। मतदान से पहले जमकर नेता अपना पाला बदल रहे हैं। इस मामले में फिलहाल सत्तारूढ़ बीजेपी अव्वल दिख रही है। भगवा दल में प्रदेश की तमाम पार्टियां सपा बसपा और कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं। सपा बीएसपी और कांग्रेस के नेता जैसे जैसे इधर उधर हो रहे हैं, पार्टियों का तनाव बढ़ रहा है और वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो मतदान से पहले बागियों को मनाने की कोशिश में जुटी नजर आई बीजेपी, अब सख्त भी दिखाई दे रही है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा रहे बागी उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। ये दल बदल की राजनीति जो है पार्टियों को कितना फायदा देगी, कितना नुकसान देगी, इन सभी मुद्दों पर हम अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। तो तमाम मेहमान भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये दल बदल जो है जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी टेंशन कितनी बढ़ी है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों की टेंशन कितनी बढ़ी है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए अशोक पांडे जी बीजेपी की तरफ से हैं और विवेक कुमार हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन पांडे साहब, ये क्या हो रहा है, हर रोज आपकी पार्टी में बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं और आपने तो समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर में जो तगड़ा झटका दिया उससे शायद उबर पाए समाजवादी पार्टी। देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी दल में आना जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी कोई रोक नहीं सकता। लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं। इनके शाहजहांपुर जो उम्मीदवार इनकी थी और राममूर्ति वर्मा की बहू, इन लोगों ने टिकट भी दिया, बावजूद उसके वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होके इन लोगों के गुटबाजी से परेशान होके, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई बात रही होगी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए विरोधी दलों के नेताओं की होड़ लगी है। ये निश्चित तौर पे माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबके ऊपर अपनी छाप छोड़ा है, सबको प्रभावित किया है, सबका विश्वास हासिल किया है, इसलिए यही स्थिति आई है। ठीक है विवेक कुमार जी, कोई वजह तो होगी, अशोक पांडे कह रहे हैं, ये कौन सी वजह है कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भी नेता और मेयर प्रत्याशी तक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, वो कौन सी बात है? देखिए, पहले तो मैं पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं और आदरणीय पांडे जी हालांकि हमसे वरिष्ठ हैं लेकिन कभी कभी बड़े हल्के तर्क देते हैं। भाई, पार्टी की विचारधारा की अगर बात की जाए तो ये तो पोषित करने वाली, जयचंदों को पोषित करने वाली पार्टी ही है जो इम्पोर्टेड विधायक सांसद पदाधिकारियों से अपनी पार्टी को संचालित करती है और जमीनी कार्यकर्ताओं की स्थिति यह है कि लात घूंसे और फटकार, गालियां और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के साथ यहां तक कह दिया गया इनके एक मंत्री के द्वारा कि ये केवल और केवल व्यापारियों द्वारा संचालित करने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इनकी स्थिति को स्पष्ट करने की आवश्यकता हमें नहीं है। पार्टी की सिद्धांत और विचारधारा से जो लोग प्रेरित होते हैं, प्रभावित होते हैं, मुझे लगता है कि वो पार्टी के विचारधारा में निहित होते हैं, पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, न कि अवसरवादिता की राजनीति से प्रेरित होते हैं। और भाजपा का तो इतिहास नहीं, भूगोल है। भाजपा का भूगोल आप यहां से लेकर के जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है देख लीजिए, 9 से 10 राज्यों में तो इन्होंने अवसरवादी लोगों को ही संचालन दे रखा है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में तो ज्वलंत उदाहरण है, सबसे वर्तमान उदाहरण तो ज्वलंत महाराष्ट्र का है। मुझे लगता है कि भाजपा के पास जमीनी कार्यकर्ताओं की अवहेला की जाती है, उसका ज्वलंत उदाहरण नहीं। विवेक जी, बीजेपी तो कहती है बीजेपी का आकर्षण है, बीजेपी कहती है बीजेपी का आकर्षण है, उसकी नीतियों की जीत है। पांडे साहब जवाब देंगे, लेकिन विवेक जी तो तब पता चलता है जब निष्पक्ष तरीके से कोई पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों से प्रेरित जो एक कार्यकर्ता होता है उसको ये तोड़ लेते हैं। लेकिन अवसरवादी कभी यहाँ होते हैं कभी, अब एक बात, एक छोटा उदाहरण दे देता हूँ, हमारे समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेता जिनको हमने बदल से निकाला है वो आज भाजपा में नेता बन के बैठे हैं। भाई, यहाँ तक कि धर्म की राजनीति करने वाले जो राम में सम्मान ढूंढते हैं उनका अपमान करने के बाद जब हमने नरेश अग्रवाल जी को निकाला तो वो सबसे चहेते हो गए भाजपा के। तो भाजपा का कोई सिद्धांत नहीं है, भाजपा केवल अवसर की राजनीति करती है, जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। आज भाजपा में अटल जी के सिद्धांत
वाली भाजपा कहीं नहीं दिखाई देती। ठीक है पांडे साहब, पांडे साहब जवाब दीजिए, पांडे साहब जवाब दीजिए। देखिए कार्यकर्ता देख रहा है कि एक परिवार का शासन है, कार्यकर्ता एक देख रहा है कि जिस तरह से अतीक अहमद के कुत्ते से नेताजी हाथ मिलाते हुए फोटो आई, जिस तरह से इनकाउंटर होता है तो फेक इनकाउंटर कहते हैं, पूछी जा रही है। मतलब जो लड़का उस पुलिस पार्टी पे हमला करके छुड़ाना चाहता था अतीक अहमद को, और डीजीपी बोल रहे हैं प्रशांत कुमार, लेकिन नहीं अखिलेश जी कहते फेक इनकाउंटर है, हर गुंडे के इनकाउंटर पर, हर गुंडे की गिरफ्तारी पर ये दशरथ के आंसू रोने लगते हैं, राम गोपाल यादव लेके मानवाधिकार चले आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इनका कार्यकर्ता देख रहा है, उसको लगता है कि समाजवादी पार्टी में अच्छे आदमी की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी में ऐसे मुख्तार जैसे गांधीवादी विचारकों की आवश्यकता है, वलीउल्लाह जैसे विचारकों की आवश्यकता है, विकास दुबे जैसे महात्मा गांधी की आवश्यकता है, इसलिए छोड़ के तो समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और धीरे धीरे समाजवादी पार्टी खाली हो जाएगी, क्योंकि उन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि हम दो झाड़ू लगा रहे हैं, एक तो गलियों में झाड़ू लगा रहे हैं, दूसरा गुंडई पे झाड़ू लगा रहे हैं। जी विशाल जी भी हमारे जुड़ गए हैं, सहयोगी विशाल रघुवंशी, उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, अभी तक दल बदल की जो तस्वीरें हमने देखी, विवेक जी मैं आता हूँ आपसे बातचीत करेंगे, आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन विशाल ये जो दल बदल का जो दौर देखने को मिल रहा है, इसमें अव्वल बीजेपी दिखाई दे रही है, बीजेपी की तरफ तमाम राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या दिखाई देती है? देखिए अगर अभी आप दल बदल की जो बात कर रहे हैं, अभी बस कुछ ही देर पहले जो है के चांद जो बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली बीजेपी की। सीधे तौर पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, उसके अगर आप अनुरूप देखें तो आप जो दूसरे जो दल हैं, चाहे हम बसपा की बात करें, सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ऐसे में आप देखिए बसपा की तरफ से मायावती कहीं नहीं दिखाई पड़ी, कोई एक ऐसा बड़ा नेता जो है वो चुनावी प्रचार मैदान में नहीं दिखाई पड़ा, कांग्रेस कहीं पता नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से लाइटली चुनाव लिया जा रहा। अखिलेश यादव आज जाकर जो है जब जो है सेकंड फेज का चुनाव और जो फर्स्ट फेज का चुनाव है जब 4 तारीख को होने वाला है, उससे पहले कल जो है चुनाव प्रचार थमने वाला है, तो आज जाकर लखनऊ में वो चुनाव प्रचार करने के लिए उतर रहे हैं शाम को 5 बजे के बाद। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो शायद दूसरे दल के नेताओं को ये मजबूर कर रही हैं, और ख़ासतौर से जो जमीनी नेता है जिनका निकाय चुनाव में ये कहा जा सकता है कि उनको ये लगता था कि निकाय चुनाव में वो मजबूती से चुनाव पार्टी की तरफ से लड़ जाएंगे और उसका फ़ायदा उनको मिलेगा, लेकिन जब उनको राजनीतिक जमीन नहीं दिखाई पड़ रही है और इसी वजह से उन्होंने जो है सीधे तौर पर जो है बीजेपी ज्वाइन की। क्यों? क्योंकि बीजेपी में लगातार जिस तरह से लगातार संगठन पे काम किया जाता है और यहाँ तक कि सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, तो शायद यही वजह है कि लोगों को लगने लगा है कि राजनीतिक भविष्य जो है वो बीजेपी में है, और इसी वजह से आप देखिए सपा की जो उम्मीदवार थी उनको तोड़कर बीजेपी अपने पाले में ले आती है और अपना प्रत्याशी बना देती है। बात ये नहीं है कि बात की जो है दल बदल जो है किया जा रहा है या जोड़ तोड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये हर चुनाव में होता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बीजेपी में ज्वाइनिंग होना ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी जिस तरह से निकाय चुनाव गंभीरता से ले रही है, इससे अब जो दूसरे दल के जो नेता है उनको भी असर उस पर दिखाई पड़ने लगा है। जी